ब्लॉग शूट करते समय कैमरे को फ्लिप कैसे करें, यानी कैमरे को कैसे घुमाएं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर, हम ब्लॉग जब शूट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन से हम ब्लॉग शूट करें। बहुत से लोगों के पास ही फ़ोन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिगनर है, उनके पास कैमरा नहीं होता है, वो फ़ोन से ही शूट करना चाहते हैं। तो फ़ोन से बैक कैमरा से, जैसे मान लीजिए फ्रंट कैमरे से हम अपनी वीडियो को अभी शूट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि शूट करते समय हम यहाँ से फ्लिप कर दें, कैमरे को पीछे वाला स्टार्ट कर दें बिना कैमरे को स्टॉप किए, तो कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना रखी है, जिसपे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मुझे ऐसा ट्रिक बताइए कि मतलब वीडियो को स्टॉप ना करना पड़े। एक ये ट्रिक बताया था, और एक और ट्रिक उसमें बताया था कि बिना अपने कैमरे को स्टॉप किए बिना आप घुमा सकते हैं, जैसे कि खुद घूम जाएंगे तो आपकी वीडियो शूट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ अलग बताने वाला हूँ, आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा और आपको कैमरा स्टॉप भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका कैमरा जो है चलता रहेगा, और आप घुमा भी पाएंगे, बैक कैमरे भी कर पाएंगे, फ्रंट कैमरा भी कर पाएंगे, और आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये कमेंट आ रही थी कि कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा बताइए, तो आज वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अभी तो मैं आया हूँ खेतों में, यहीं पे वीडियो शूट करना पड़ा है। अब फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको ले कर चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर, ठीक है, तभी तो हम आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद से आपको सिंपल आना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे, ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है फ्लिप कैमरा वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ये सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च कर लेना है, और यहाँ से ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेना है, और इसे ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं फाइनली यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी है, इस सेटिंग को जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो फिर कहेंगे भाई जो वीडियो बनाया बिल्कुल बेकार है, काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, हमारा वीडियो हमारे एल्बम में सेव नहीं हो रहा है, बहुत सारी कमेंट आने लगेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब सिंपल देखिए, मेरा जो ऐप है यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मैं डेटा को ऑफ कर लेता हूँ, डेटा की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑफलाइन है, ठीक है, ये जो ऐप है ऑफलाइन है। तो इस ऐप को अब हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। फाइनली देख सकते हैं, एक कैमरा जो है ओपन हो गया, ये भी एक कैमरा ही है, जैसे नॉर्मल अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करते वैसे ही ये भी कैमरा है, लेकिन इसमें हमको ये फीचर्स मिलता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते समय फ्रंट बैक कैमरा को घुमा सकते हैं और रिकॉर्ड होता रहेगा, स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सेटिंग करनी होगी, जो बार बार कह रहा हूँ उसको जान लेना है, फिर आप इस ऐप को आराम से यूज कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर रेजुलेशन, वीडियो रेजुलेशन जो है, अगर आपका फ़ोन सपोर्टेड है तो आप हाई पे करके शूट कीजिए, या फिर आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप में दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहला जो है आप अपना जो वीडियो शूट होने के बाद से वो सेव होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, फ़ोन मेमोरी भी कर सकते हैं या एसडी कार्ड भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे वीडियो सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अब वीडियो सेटिंग पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वीडियो रेजुलेशन ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपनी फ़ोन के सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर अपनी रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरे फ़ोन में सभी रेजुलेशन सपोर्ट करता है, हाई है वो भी और लो तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे 1280 और 720 लिखा हुआ है, इस पर ट्रिक लगा लेना है, ताकि सभी के फ़ोन में ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, सो हाउ मच मनी मेमोरी, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ट्रिक लगा लेना है, ठीक है, सिंपली ट्रिक लगा लेना है। और यहाँ पे वीडियो प्लेयर है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फ्लिप कैम वीडियो प्लेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद से बैक आ जाना है, देखिए यहाँ पे बैक आ गया, आपको यहाँ से भी बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सिंपली रिकॉर्ड करना है, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, पहले फ्रंट कैमरा यहाँ से घुमा लेता हूँ, देखिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा कर लिया, ठीक है। अब देख सकते हैं फ्रंट कैमरा मैंने घुमा लिया, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप जिस तरीके से इस तरीके से घुमा के भी आप शूट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी शूट कर सकते हैं, दोनों तरीके से शूट कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने देखिए यहाँ पे कैमरे को इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कुछ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए,
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने ये कैमरा फ्लिप करके टेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं फ्रंट से शूट कर रहा हूँ और मेरे पीछे कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको वहाँ पे पीछे की तरफ हरी हरी घासें दिख रही है। खेतों में आया हूँ वीडियो शूट करने और फाइनली यही लोगों की कमेंट आ रही थी कि मैं अपनी वीडियो शूट करते समय कैमरे को फ्लिप कैसे करें। तो देख सकते हैं, मैं कंटिन्यू बोल भी रहा हूँ और मेरी साउंड आ भी रही है आप लोगों को और मेरी वीडियो जो है शूट हो रहा है। अब मैं बैक कर लेता हूँ, कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं फ्रंट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारी वीडियो शूट होती रहेगी, स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। मैं फाइनली स्टॉप कर लेता हूँ अपनी वीडियो को और ये हमारा वीडियो जो है स्टॉप हो चुका है। अब मैं इसे इस तरीके से कर लेता हूँ। अब जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे की तरफ कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा का आइकन है, उसके बगल में दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक काम आपको करना होगा, एक एप्लीकेशन और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी वीडियो एडिटर। जैसे कि आप सिंपल यूज कीजिएगा BN ऐप, ठीक है। तो उसको कहाँ से यूज करना है, चलिए पहले वहाँ पर ले चलते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए पड़ेगी वो भी आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे प्ले स्टोर पर आना है। देखिए, यहाँ पे डाटा ऑन कर लेता हूँ, प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे आने के बाद से फ्रेंड्स आपको सर्च बॉक्स में VN ऐप यहाँ पे सर्च कर लेना है, या फिर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको ये इस रिकॉर्डिंग को करना है, ठीक है। पहले दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, फिर रिकॉर्डिंग जो भी करना है, ब्लॉक करना है, आपको करना है। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा प्ले करके, आप फ्रेंड्स वेलकम टू माय वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में हमारे प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं फ्रंट से शूट कर रहा हूँ और मेरे पीछे कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको वहाँ पे पीछे की तरफ हरी हरी कहाँ से दिख रही है, खेतों में आया हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने जो भी बोल रहा हूँ वो कंटिन्यू मेरा साउंड आ भी रहा है और हमारी जो वीडियो है मैं फ्लिप कर भी ले पा रहा हूँ। जैसे बैक का दिखाना है तो बैक भी दिखा पा रहा हूँ और फ्रंट अपना फेस भी दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपका वीडियो तो शूट हो जाएगा लेकिन आपकी एल्बम में सेव नहीं हो पाता है। अब पता नहीं क्या इसका एल्गोरिथम है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कैसे अपने एल्बम में अब सेव करना है ताकि आप एडिटिंग इसको कर सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं एक फोल्डर का आइकन है, उसके बीच में यहाँ पे शेयर का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा शेयर, आप कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको शेयर नहीं करना है, आपको BN ऐप सेलेक्ट कर लेना है। मैंने पहले ही बोला है कि BN ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, BN ऐप पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करके BN ऐप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वो जो आपकी वीडियो है आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे मेरी वीडियो जो है आ चुकी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ एडिट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हैं, तो मैं सेव करने का तरीका बता रहा हूँ। आप एडिट करके भी सेव कर सकते हैं, बिना एडिट किए आप अपने गैलरी में सेव करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका आपका वीडियो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है ऊपर और यहाँ पे सिंपली आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेव्ड हो रहा है। सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 21%। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए, ठीक है। और एक फ्रेंड्स एक बात और बताने, तब तक ये सेव हो रहा है तब तक एक और बात बता दूं कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही कमाल का है। मेरा एक इंस्टाग्राम, जिस इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एक चैनल है, उस चैनल पर फ्रेंड्स मैं वीडियो बनाता हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, कैसे इंस्टाग्राम पे मतलब क्या बनाना है, वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वही सारा कुछ उस पर बताता हूँ। तो मैं उस पर वीडियो ये लाने वाला हूँ कि आप लोगों को कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा और उस वीडियो को सेंड करना होगा मेरे पास, तो मैं उसके लिए आप लोगों को पैसा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं हमारा कम्प्लीटली सेव्ड हो गया। अब यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देंगे, अब इसे क्लोज कर देंगे और इस ऐप को भी क्लोज कर देंगे और एल्बम को अपने ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पे गए और हमारा जो वीडियो है आ चुका है, प्ले करके दिखा देंगे। वेलकम टू माय वीडियो फ्रेंड्स, मैंने ये कैमरा फ्लिप करके टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं फ्रंट से शूट कर रहा हूँ और मेरे पीछे कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको वहाँ पे पीछे की तरफ हरी हरी, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। देखिए, और आगे मैंने जो फ्लिप किया था वो आपको वो भी दिखेगा, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो किया था वो सब दिख रहा है आपको।
ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने कैमरे को बिना स्टॉप किए, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी लोगों की कि स्टॉप करना पड़ता है तभी जाके बैक कैमरा से यानी बैक वाला चीज़ दिखा पाते हैं, फ्रंट वाला दिखा पाते हैं, ठीक है। तो अब आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आप अपने वीडियो को आराम से शूट कर पाओगे कंटिन्यू, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।